वर्ण सीखते समय हमने कुछ ट्रेस और लाइन किया था, कुछ आकार थे वो, उनको भी हमने अच्छे से सुलेख किया था, तो उनका भी हम रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा जो हिंदी का पीरियड है वो है रिवीजन का। तो रिवीजन हमारे बच्चों को तो अच्छी लगती है ना, क्योंकि सब बच्चे कैसे हैं, बहुत ही होशियार है। तो बच्चों इधर ध्यान दो, आपके पास ये पुस्तक है, ये किताब है जिसका नाम है हिंदी अक्षर माला का ओ, और नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 17 तक आपकी पढ़ाई हो गई है। इस बुक में आपने बहुत सारा ट्रेसिंग किया है, वर्ड लिखे हैं और ट्रेस और राइट भी किया है, सुलेख किया है। तो ये वर्क आपका कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है। जब आप स्कूल में आओगे तो ये वर्क देखकर ही मैं आपको बड़ा स्टार देने वाली हूँ। जिन बच्चों का ये वर्क इनकम्प्लीट होगा उन्हें स्टार को नहीं मिलने वाला। तो बच्चों ये जो स्टडी है, ये जो आपका अभ्यास है, वो आप अच्छे से पूरी करो, ठीक है, उसको कंप्लीट करो। इसके बाद बारी आती है हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो हमने अवर्ण सीखा, ये कौन सा वर्ण है, अवर्ण, और अवर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, यह हमने देखा। उसके बाद वर्ण आता है आ, तो अवर्ण से भी कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, इसकी हमने अवर्ण की, आवर्ण की पहचान की। इसके बाद आती है छोटी ई, तो छोटी ई इस वर्ण से भी कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, उन शब्दों की हमने पहचान की है, उनका हमने अध्ययन किया है। उसके बाद आती है बड़ी ई, तो बड़ी ई इसे भी कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, उन सभी शब्दों का हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो बच्चों इधर देखो, बड़ी। तो बच्चों
मुझे बताने हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, आवर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ। उसके बाद अवर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? आवर्ण। तो आवर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है, ई वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताओ। तो ले